नमस्कार, बिजनेस एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। शुरुआती कारोबार में बढ़त बनाने के बाद सेंसेक्स और निफ्टी में गिरावट आ गई। सेंसेक्स जहां 58 अंक नीचे 35,455 पर कारोबार कर रहा है, तो वहीं निफ्टी करीब 20 अंक गिरकर 10,652 पर कारोबार कर रहा है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में एक बार फिर बड़ी राहत मिली है। नए साल के पहले दिन से ही पेट्रोल डीजल की कीमतों में राहत मिल रही है। 1 जनवरी को पेट्रोल की कीमतें जहां 19 पैसे कम हुई थी, वहीं आज पेट्रोल की कीमतों में 21 पैसे की कटौती की गई है। 2 और 3 जनवरी को पेट्रोल की कीमतें स्थिर थी। 2 साल पहले नोटबंदी के बाद जारी किए गए 2000 रुपए के करेंसी नोट की छपाई न्यूनतम स्तर पर पहुंच गई है। वित्त मंत्रालय के एक शीर्ष अधिकारी ने गुरुवार को यह जानकारी दी। नवंबर 2016 में नोटबंदी के बाद सरकार ने 2000 रुपए का नया नोट जारी किया था। भारतीय रेल एयरलाइंस की तर्ज पर एक ऐसी योजना पर काम कर रहा है जिससे किसी विशेष ट्रेन में आरक्षण के समय उपलब्ध सीटों की स्थिति का पता यात्रियों को चल सकेगा। रेलवे मंत्रालय के सूत्रों ने बताया कि रेल मंत्री पीयूष गोयल ने वरिष्ठ अधिकारियों से कहा है कि वह रेलवे सूचना प्रणाली केंद्र की मदद से आरक्षण चार्ट को सार्वजनिक करे ताकि सीटों की उपलब्धता से संबंधित यात्रियों की शिकायतें दूर की जा सके। देश के करीब 82% स्टार्टअप्स को अभी तक केंद्र सरकार की स्टार्टअप इंडिया पहल के तहत कोई लाभ नहीं मिला है। एक रिपोर्ट में गुरुवार को यह जानकारी दी गई है। लोकल सर्कल्स के सालाना स्टार्टअप सर्वेक्षण 2019 में कहा गया है कि केवल 18% स्टार्टअप्स और छोटे और मझोले उद्यम ने स्टार्टअप इंडिया अभियान से कोई लाभ मिलने का दावा किया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए EMS TV के साथ। नमस्कार। जेनावन सेल्स, क्रॉम्पटन ग्रीव्स के गीजर, पंखे, एनलाइटिंग ल्यूमिनरीज, हैवी ड्यूटी एग्जॉस्ट फैंस एंड कूलर फैंस की संपूर्ण रेंज, एल मोनार्क के फैंस, पेडिस्टल फैंस, एग्जॉस्ट फैंस एंड एयर कर्टन की विस्तृत रेंज। जेनावन सेल्स, नियर भारत टॉकीज, फर्स्ट फ्लोर, हमीदिया रोड, भोपाल।